सभी गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है। सो गाइस सबसे पहले आप बिटमाइन इंसर्टिफिकेट को इंपोर्ट कर लेना, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो वहां से बिल्कुल भी आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो। और गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके, सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है लाइट मोशन में आने के बाद, एंड एक पोजिट क्रिएट करना है जो कि 9:16 का साइज में होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो गाइस जो फोल्डर में आपका फोटो है अपनी फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लेना। और गाइस आपको यहाँ पे एक फोटो को एड करना है, ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, एंड शेयर के आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पीएनजी में यहाँ पे फोटो को एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके, तो जैसे गाइस आपको फोटो को एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका, फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे इस फोटो को सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट कर दोगे जैसे कि आप लोग दे सकते हो, सो यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है। अब यहाँ से आपको सिंपली बैक आना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओके, जैसे आप बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करोगे यहाँ पे आपको एक फोटो मतलब लेयर दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है एड फोटो 9:16। ओके, इस लेयर पे क्लिक करना है एंड कलर एंड फिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस टैक्स पे इधर उधर कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो। ओके, फिर आपको ऊपर फोल्डर को सिलेक्ट करना है और जो आपने एक फोटो को क्रॉप किया था सिंपली उस फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। ओके, तो हमारा फोटो इस प्रकार से एड हो जाएगा। अब जैसे आपका फोटो ऐड हो जाता है आपको इस वाले एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे बीट मार्क पे आना है और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको नॉर्मल फोल्डर को सिलेक्ट करना है, यानी कि जो भी फोल्डर में आपका नॉर्मल फोटो है यहाँ पे आपको नॉर्मल फोटो को ऐड करना है। ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से अपनी मतलब इस वाले ऑप्शन से अपनी फोटो को ट्रिम करना है, फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, दूसरा फोटो को ऐड करना है, ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। ओके, एंड यहाँ से इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से अपनी फोल्डर को मतलब सॉरी गाइस मतलब अपनी फोटो को ट्रिम कर लेना है। सो गाइस इसी प्रकार से आपको अपनी फोटोज़ को ऐड करते रहना, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। ओके, तो लास्ट तक आप अपनी सभी फोटोज़ को ऐड कर लेना इसी प्रकार से। तो गाइस जल्दी मैं सभी फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैंने सभी फोटोज़ को ऐड कर लिया लास्ट तक। अब जैसे फोटो आप ऐड कर लेते हैं, अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है एंड सेकंड फेयर प्रोजेक्ट को ओपन करना है। जैसे आप सेकंड फेयर प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे अब यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है एंड इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, फिर बैक आना है यहाँ से इस प्रोजेक्ट को बैक करके आपको बिटमैप प्रोजेक्ट को ओपन करना है, फिर स्लाइड करके आगे जाना है या तो इस वाले एरो पे क्लिक कर सकते हो, डायरेक्ट आ जाओगे 14 सेकंड पे। यहाँ पे जो पहला वाला फोटो है ना 14-15 सेकंड पे जो छोटा वाला फोटो, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। जैसे इतना कर दोगे अब आपको मतलब इस प्रकार से एक फोटो को छोड़ देना है यहाँ पे आगे वाला फोटो को, फिर एक फोटो में पेस्ट कर देना है। ओके, एंड इसी प्रकार से आपको एक फोटो को छोड़ छोड़ के एक फोटो में इफेक्ट को पेस्ट करते रहना, जैसे कि आप लोग दे सकते हो तो इसमें इफेक्ट नहीं लगा है। इस प्रकार से आपको पेस्ट करना है, फिर एक फोटो को छोड़ना है, एक फोटो में पेस्ट करना है जैसे कि आप लोग दे सकते हो, एंड इसी प्रकार से आपको लास्ट तक पेस्ट करते रहना है। ओके, सो एक फोटो को छोड़ छोड़ के एक फोटो में इसी प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है और लास्ट जितना भी इमेज है सभी फोटोज़ में आपको इसी प्रकार से करना है, लेकिन ध्यान रखना कि एक फोटो को छोड़ छोड़ के ही पेस्ट करना है। ओके, तो इस हिसाब से आप पेस्ट करना कि पहले वाला फोटो से लेकर और ये लास्ट का फोटो छोड़ के इस वाले फोटो तक आए। ओके, तो अगर ये ऐसा अगर आ जाता है तो समझ लेना कि परफेक्ट फोटो इफेक्ट पेस्ट हुआ है। फिर यहाँ सबको बैक आना है एंड सेकंड फेयर प्रोजेक्ट को ओपन करना है और जो सेकंड नंबर का इफेक्ट है जस्ट इसको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ओके, एंड बैक आना है यहाँ से बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, फिर स्लाइड करके आपको आगे जाना है और आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फोटो बचा हुआ है ना आप सिंपली उस फोटो पे क्लिक कर करके इफेक्ट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना है। ओके, यानी कि उस इफेक्ट में अब फोटो में इफेक्ट को पेस्ट करना है जो फोटो बचा हुआ है। ओके, तो जैसे कि आप लोग दे सकते हो, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लास्ट तक करते रहना है और जो भी बचा हुआ फोटो है सभी को चुन चुन के यानी कि सिलेक्ट कर करके उसमें इफेक्ट को पेस्ट करते रहना है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है और कहाँ पे कैसा इफेक्ट पेस्ट करना है। अब इसे इफेक्ट को पेस्ट कर लेंगे, अब यहाँ से आपको बैक आना है एंड से इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ऊपर का दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर करना है, फिर यहाँ से बैक आना है, बिटमैप प्रोजेक्ट को ओपन करना है और इस वाले आइकन पे क्लिक करके सिंपली पेस्ट टू लेयर कर देना है और स्लाइड करके लास्ट में चले आना है और यहाँ पे
इस वाले आइकन पे मतलब लॉन्ग प्रेस कर रखना है, उन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, इससे इसका जो लेंथ है वो लास्ट तक आ जाएगा। अब जैसे इतना कर लेते हैं आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करना है, ओके, एंड अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।